हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू ऑल। तो जैसा कि हम लोगों ने बेटा लास्ट दो वीडियो में अपलोड कर ली थी, है ना, हम लोगों की बेटा टाइप फर्स्ट भी हो चुकी थी और टाइप सेकंड भी हो चुकी थी। जो फर्स्ट टाइप थी बेटा हमारी वो थी टुगेदर वाली, और जो टाइप सेकंड थी वो थी अलोन वाली। हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस की है क्वेश्चन, ठीक है। होप सो बेटा आप लोगों ने घर पे किए होंगे, अच्छी तरह नोट्स बनाए होंगे, और दो टाइप में बेटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, आज हम टाइप थर्ड करेंगे। तो टाइप थर्ड क्या है बेटा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम लेफ्ट, ठीक है। तो थर्ड टाइप में क्या होगा देखते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमारे फेसबुक पेज पे जाना है, वहां पे जाके आप लोगों ने हमारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर देना, वहां पे भी पार्ट लिखा होगा, टाइम एंड वर्क पार्ट टू या पार्ट थ्री की पीडीएफ फाइल हमने अपलोड कर रखी है, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे आप लोगों को सभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप लोगों ने स्टेटमेंट रीड करनी है और यहाँ पे हम आप लोगों को क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। तो होप सो आप सभी बढ़िया होंगे बेटा, एंजॉय करते हैं वीडियो को आप लोग सभी। तो चलते हैं आगे, ठीक है। टाइम थर्ड है बेटा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम लेफ्ट। तो इस टाइप पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पीडीएफ फाइल में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10th होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th होगा पीडीएफ फाइल में, 10th क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखाने जा रहा हूं बेटा। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों ने वहां से स्टेटमेंट देखनी है और यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली। उन्होंने क्या कहा कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली। आगे बोल रहे हैं, दे बिगिन टू वर्क टूगेदर, दे बिगिन टू वर्क टूगेदर, दे बिगिन टू वर्क टूगेदर बट आफ्टर 5 days, 5 दिन बाद, बट आफ्टर 5 days, बट आफ्टर 5 days कौन चला गया, ए गोज अवे, ए गोज अवे, क्या हो गया बट आफ्टर 5 दिन बाद ए चला गया। तो पूछा गया फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, फाइंड हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कि बी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में खत्म कर दे। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, टाइप जो थर्ड है स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम लेफ्ट। तो क्या होगा इस टाइप में, आपको या तो स्टार्ट का टाइम गिवन होगा कि इतने दिन बाद चला गया, या तो आप लोगों को बेटा क्या होगा एंड का टाइम गिवन होगा, लास्ट वाला टाइम, ठीक है। लेफ्ट का मतलब कोई ना कोई वेरिएबल बीच में काम को छोड़ के चला जाएगा, ये चीज होगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में है, बोल रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन और 25 दिन में रिस्पेक्टिवली। तो आप लोगों को यहां से देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि ए कितने दिन में काम को कर रहा है भाई, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 25 डेज। ये बेटा आप लोगों को गिवन है। आगे चलते, देखो वन डे वर्क तो कोई भी क्वेश्चन हो निकालना पड़ेगा बेटा, मैंने बताया हुआ है। तो यहां से ए 20 दिन में काम को कर रहा है, 25 दिन में, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 आ गया एलसीएम। उसके बाद निकालना पड़ेगा आप लोगों को वन डे वर्क, वन डे वर्क मतलब एक दिन में किया गया काम। तो ए 100 वर्क 20 डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5, और बी 100 काम 25 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 4। तो बेटा यहां से क्या सीखा आपने, वन डे वर्क आ गया, ए का वन डे वर्क आ गया 5, बी का वन डे वर्क आ गया 4, कि ए कितने दिन, एक दिन में कितना काम करता है, 5, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 करता है, ठीक है। अब सब कुछ बेटा स्टेटमेंट का खेल है, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट रीड करनी, क्या बोल रहा है, दे बिगिन टू वर्क टूगेदर, सबसे पहले ये लाइन, दे बिगिन टू वर्क टूगेदर मतलब दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया होगा, और उसके बाद क्या होगा, बट आफ्टर
फाइव डेज ए गोज अवे, पांच दिन बाद कौन चला गया, ए चला गया, पांच दिन बाद ए चला गया। तो ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आप लोगों को समझा रहा हूं, यहां से अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। वो बोल रहा है दे बिगिन टू वर्क टूगेदर, दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया इस पॉइंट से, यहां से। बट फाइव डेज आफ्टर फाइव डेज ए गोज अवे, पांच दिन बाद ए चला गया, तो इसका मतलब यहां से ये करते गए करते गए करते गए कितना दिन काम किया बेटे, पांच दिन काम किया, पांच दिन के बाद कौन चला गया बट आफ्टर फाइव डेज ए गोज अवे, तो पांच दिन के बाद ए चला गया। अब खुद सोचो अगर पांच दिन के बाद ए चला गया तो ये बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, ये बात तो मानते हो। अगर बचा हुआ काम बी ने किया, पांच दिन के बाद ए चला गया, तो ये पांच दिन का काम किसने किया होगा, पांच दिन का काम ए और बी दोनों ने किया होगा। क्यों? क्योंकि वो दे बिगिन टू वर्क टूगेदर। तो वो यही पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग मतलब बी इस बचे हुए काम को क्वेश्चन मार्क कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो बेटा दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आप लोगों को ये रिमेनिंग वर्क पूछ लिया होगा कि बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, या तो आप लोगों को टोटल वर्क पूछ लेगा कि टोटल यहां से यहां कितने दिन में काम खत्म हो रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए पहले तो ये रिमेनिंग वर्क के नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे, जो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आएगा उसमें क्या कर दोगे, फाइव एड कर दोगे, वो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, हमें तो सिर्फ रिमेनिंग पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। तो ध्यान से देखते बेटे, यहां से अगर देखा जाए पांच दिन का काम कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके पांच दिन का काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए दोनों मिलके, तो ए का एक दिन, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहां से पांच, ए का वनडे वर्क आया पांच और बी का वनडे वर्क कितना आ गया, चार, एक दिन में चार कर रहा है, ठीक है। तो अगर बेटा ध्यान से देखा जाए कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, नाइन, ठीक है, ए का वनडे वर्क था फाइव, बी का वनडे वर्क था फोर, और दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, नौ। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है ए और बी दोनों मिलके कितने दिन कर रहे हैं, पांच दिन कर रहे हैं, अगर एक दिन में नौ किया बेटे तो पांच दिन में कितना हो जाएगा, नाइन इंटू फाइव बराबर कितना, फोर्टी फाइव वर्क हो गया आप लोगों का, ठीक है, पांच दिन में 45 वर्क हो गया। आप लोगों का 100 क्या था, 100 था टोटल वर्क, तो इसका मतलब ए और बी ने पांच दिन में, एक दिन में किया 9, तो पांच दिन में किया मल्टीपल पांच की 45, 100 था टोटल वर्क, 45 तो बेटा आप लोगों का हो गया, तो यहां से रिमेनिंग वर्क क्या बचा, 100 माइनस 45 कितना बच गया 55 बच गया। तो ये रिमेनिंग वर्क को कर कौन रहा है, बी, तो मतलब 55 वर्क करना किसने, बी ने। तो यहां से बी का वनडे वर्क देख लो, बी का एक दिन का काम कितना है, 4 आ गया, एक दिन में बी चार कर रहा है, तो 55 वर्क रिमेनिंग कितने दिन में करेगा, तो आप 55/4, तो इट इंप्लाइज यहां से क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास आएगा कितना, 13/4, 13/4 से कितना बना 50, यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 13/3/4 डेज आ जाएगा। तो यहां से बेटा क्या आया, आप लोगों का रिमेनिंग आ गया कि बी रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर रहा है, 13/3/4, तो यहां से 13/3/4 डेज आपका आंसर होगा, 13/3/4 डेज हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। अगर टोटल पूछा होता कि टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल आपका आंसर क्या होता बेटा, आपका होता 5 + 13/3/4 बराबर कितना बन जाता, 5 × 13/3/4 कितना बन जाना था, 18/3/4 डेज आप लोगों का आंसर हो जाता। बट कब होता, जब पूछता फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क इज फिनिश, बट उसने पूछा क्या, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग कितने दिन में करेगा, 13/3/4 डेज में करेगा, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया होगा आप लोगों को, वनडे वर्क तो सभी को पता था, क्वेश्चन वाले ने बोला कि दोनों ने काम शुरू किया, पांच दिन तक काम किया और पांच दिन बाद ए चला गया, ए चला गया तो बचा हुआ काम बी ही तो करेगा, बी किया हमने डायग्राम बना लिया, उसके बाद उसने बोला ए और बी ने पांच दिन काम किया,
तो ए और बी का एक दिन का काम आया 9, तो 5 दिन में कितना किया 9 into 5 कितना 45 वर्क बन गया। तो 100 था टोटल वर्क, 45 किया तो रिमेनिंग कितना आ गया 55 बच गया रिमेनिंग। 55 रिमेनिंग को कर कौन रहा है, बी। बी एक दिन में कितना कर रहा है 4 कर रहा है, तो 55 कितने में करेगा 55/4 18+13 3/4 डेज आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है, इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, नोट कर लेना, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, इसको बेटा रब करने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा सारा। आगे चलते हैं टाइप थर्ड में, ठीक है। इसको मिटाने जा रहा हूं बेटा मैं, ये सिर्फ टाइप थर्ड है आप लोगों की, समझ आ गया होगा आप लोगों को सभी को। तो चलते हैं नेक्स्ट, पीडीएफ फाइल जो आप लोगों ने डाउनलोड कर रखी है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, रीड करता हूं स्टेटमेंट। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली, कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, यही दे रखा है। क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोबारा से वही, ए और बी ने वर्क किया स्टार्ट टुगेदर, ए एंड बी वर्क स्टार्ट टुगेदर, बट आफ्टर क्या हुआ, बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन बाद बेटा 3 दिन बाद यहां पे कौन चला गया, ए चला गया। तो खुद सोचो बेटा, अगर यहां पे ए चला गया तो बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा, बोलोगे सर बी करेगा, यहां तक क्लियर है। तो अगर ये बचा हुआ काम बी ने किया, 3 दिन बाद ए चला गया, तो ये काम किसने किया होगा, ए और बी दोनों ने किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दे बिगिन टू वर्क टूगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब उसने टोटल वर्क पूछा बेटा, उसने पूछा फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहां से सबसे पहला स्टेप आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 और 20 का एलसीएम लिया, क्या बना बेटा 60 क्या आ गया आप लोगों का, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क के बाद आप लोगों को वनडे वर्क निकालना पड़ेगा, यहां से ए का वनडे वर्क 6 आ गया और बी का वनडे वर्क 5 आ गया। वनडे वर्क मतलब एक दिन में किया गया काम। अब दोबारा से वही बेटा, 3 दिन का काम कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं 11, तो कितने दिन किया 3 दिन, तो 3 दिन में कितना कर लिया 33 कर लिया, यहां से 3 दिन का काम कितना आ गया 33। 60 क्या था बेटा आप लोगों का, टोटल वर्क, तो 60 में से अगर 33 वर्क हो चुका है तो आप लोगों का बेटा रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 60 - 33 कर दोगे रिमेनिंग वर्क आ गया 27। अब इस रिमेनिंग वर्क को कर कौन रहा है, बी कर रहा है ना, यही पहले रिमेनिंग निकालेंगे नंबर ऑफ डेज, तो भाई रिमेनिंग वर्क को बी कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, अब उसमें करना कितना है रिमेनिंग 27, तो 27 काम 5 एक दिन में कर रहा, 27 काम कितने दिन में करेगा 27/5, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा यहां से बेटा, इट इंप्लाइज 5 2/5 days, कि बी ने रिमेनिंग काम कितने दिन में किया 5/2/5 दिन में, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया 5 2/5 days आ गया रिमेनिंग काम। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो टोटल वर्क के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए 3 + 5 2/5 बराबर कितना बन जाएगा 5 3 8 8 2/5 days आप लोगों का क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट है। ठीक है, यहां से बेटा आप लोगों ने समझ लिया होगा पहला क्वेश्चन भी, और ये भी आप लोगों को बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 क्या बोल रहा है, ठीक है, ये नोट करना बेटा अच्छी तरह आप लोगों ने, इसको मिटाने जा रहा हूं, होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आप लोगों की पीडीएफ फाइल में देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली, कि ए और बी किसी, 12th क्वेश्चन था, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 days में कर रहा है, यही ये रखा है। उसके बाद क्या है, बोथ स्टार्ट द वर्क टूगेदर बट ए लीव्स वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी स्टार्टिंग टाइम लेफ्ट होता था,
अब क्या होगा बेटा, एंडिंग टाइम लेफ्ट होगा, मतलब लास्ट का टाइम एंड में दिया होगा, ठीक है, समझना। क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट आप लोग अच्छी तरह से रीड करते जाओ बेटा, तभी समझ लगेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर समझ नहीं लगेगा। स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी, वो आप लोग पीडीएफ फाइल में देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है दे स्टार्ट वर्क टूगेदर, दोनों ने काम शुरू किया, बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लिव्स। तो दोनों ने काम शुरू किया एक साथ बेटा, करते गए करते गए करते गए, अब जब खत्म होने को कितने दिन रह गए थे, जब खत्म होने को 5 दिन रह गए थे, तो कौन चला गया बेटा यहाँ पे ए चला गया। अब खुद सोचो, पहले आगे का टाइम दिया होता था, अब एंड वाला टाइम दे रखा है, क्वेश्चन तो वैसे ही चलेगा बेटा, ठीक है। तो जब 5 दिन रह गए थे ए चला गया, तो खुद सोचो अगर ए चला गया तो ये 5 दिन का काम किसने किया होगा, आप बोलोगे सर बी ने किया होगा, क्योंकि ए तो चला गया, अगर ये 5 दिन का बी ने किया तो ये शुरू का जो काम था ये वाला, ये किसने किया होगा, ये किया होगा ए और बी दोनों ने। अब ये सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे कि ये जो रिमेनिंग काम ए और बी ने कितने दिन में किया, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 5 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे हमारे पास। ये पूछा है ना क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क इज फिनिश्ड, कि काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा से बेटा वही, सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम कितना 20, एलसीएम के बाद क्या निकालना पड़ेगा, वन डे वर्क, एक दिन का काम। तो बेटा यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 1 बना, ये था आप लोगों का टोटल वर्क, यही था कि ए का वन डे वर्क आया 2, एक एक दिन में काम 2 करता है, और बी एक दिन में एक ही काम करता है। अब ध्यान से देखते हैं, ये 5 दिन किसके दे रखे बेटा, 5 दिन किसके दे रखे हैं, बी के। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 5 दिन में बेटा कितना करेगा, 5 दिन में कितना कर दिया, 5 वर्क कर दिया उसने। 20 क्या था टोटल वर्क, अगर 20 में से 5 वर्क हो गया तो आप लोगों का यहां पे रिमेनिंग वर्क कितना बचा बेटा, रिमेनिंग 20 में से 5 हो गया, रिमेनिंग बचा 15, यहां तक क्लियर। तो इस रिमेनिंग वर्क को पीछे कौन कर रहा था, ए और बी दोनों, तो यहां पे ए और बी दोनों करेंगे, तो दोनों का वन डे वर्क, ए का वन डे वर्क था 2, बी का वन डे वर्क था 1, तो दोनों का वन डे वर्क कितना हो गया, 2 और 1 कितना बन गया, 3 बन गया। तो ये 15 काम एक दिन में दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो 15 काम कितने दिन में करेंगे, क्या करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे डिवाइड, तो 15/3 लगा के कितना आ गया, 5 days। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया होगा, ये रिमेनिंग काम कितने दिन में किया होगा, 5 days में, यही। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, टोटल वर्क पूछा था कितने दिन में खत्म होगा, तो रिमेनिंग 5 दिन आ गया बेटा, 5 और 5 कितना आ गया, 10 दिन, तो टोटल डेज कितने लगेंगे आप लोगों के, 10 डेज बेटा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा, ठीक है, समझ लग रहा होगा आप लोगों को। तो सब कुछ बेटा इस डायग्राम पे टिका है, कोई फंडा नहीं, कैसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे आगे का टाइम गिवन हो, चाहे पीछे का टाइम गिवन हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो बेटे, होप सो यहां तक समझ लग गया होगा। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया है ना। हम लोगों ने क्या किया अभी तक, हमने एक तो स्टार्टिंग टाइम वाला बेटा किया था, जहां पे स्टार्टिंग टाइम दिया था, उसके बाद बेटा हमने किया एंडिंग टाइम, जहां पे लास्ट वाला टाइम दिया था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का पीडीएफ फाइल में 13th क्वेश्चन होगा, वो दोनों का बेटा कॉम्बिनेशन आएगा, कॉम्बिनेशन मतलब स्टार्टिंग टाइम भी दे रखा होगा और एंडिंग टाइम भी दे रखा होगा, ठीक है, वो देखते हैं बेटा, इसको नोट कर लेना, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, कह रहा है 3 men ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। 3 वेरिएबल दे दिए बेटा कि ए है वो 10 दिन में कर रहा है, बी है 12 days में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 15 days में कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, They start work together, मतलब तीनों ने काम को एक साथ शुरू किया, तो क्या हो जाता है उसके बाद, They start work together, but A left the work 2 days before the completion of the work। क्या किया उन्होंने कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ध्यान से समझना,
तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, बट ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि जब काम खत्म होने लगा था उसके 2 दिन पहले बेटा कौन चला गया, ए चला गया। तो समझो यहां से शुरू किया, करते गए करते गए करते गए, जब कितने दिन रह गए थे, 2 दिन रह गए थे, तो यहां पे बेटा कौन चला गया, ए चला गया, यही दे रखा है, ए चला गया 2 दिन पहले। आगे चलते हैं, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो बी कितने दिन, उसने बोला बी 3 दिन पहले चला गया, ए तो 2 दिन पहले बेटा गया था, बी 3 दिन पहले गया। तो अगर बी 3 दिन पहले गया होगा तो इसका मतलब 2 दिन तो ये कवर हो गए, तो यहां से कितने दिन लगेंगे, 1 दिन ही तो लगेगा, तभी तो टोटल लास्ट खत्म होने से यहां तक कितने लगे, 3 दिन। तो यहां पे कौन चला गया था, कहते यहां पे बेटा कहते बी चला गया था, ठीक है, तुम यहां पे बी चला। पूछा गया क्वेश्चन पे रीड करो, क्वेश्चन पे बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश, कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा टोटल काम। अब ध्यान से समझते बेटा, ध्यान से देखना, उसने टोटल वर्क पूछा है, टोटल वर्क के लिए देखो सबसे पहले तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा, इसके दिन निकालने पड़ेंगे। अब खुद सोचना, यहां से तीनों ने काम शुरू किया, यहां से यहां तक काम करते गए कौन, ए बी और सी, तीनों ने किया होगा इतना काम। यहां पे जाके भाई बी चला गया, क्योंकि बी 3 दिन पहले गया, 2 और 1 3, 3 दिन की कंडीशन, बी चला गया। तो यहां पे बी चला गया, तो बेटा ये बताओ ये 1 दिन का काम किसने किया, ये काम ए और बी सी तीनों चल रहे थे, बी चला गया, तो 1 दिन का काम बेटा किया होगा ए और सी ने किया होगा। 1 दिन काम करने के बाद ए भी चला गया, अगर ए चला गया तो ये 2 दिन का बेटा काम किसने किया होगा, आप बोलोगे सर 2 दिन का काम किसने किया, सी ने किया होगा। तो वही पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए बेटा पहले तो क्वेश्चन मार्क निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग वर्क ए बी और सी का रिमेनिंग वर्क, और उसको उसमें ऐड क्या कर देंगे, 1 और 2 कितना, 3 दिन ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। यहां तक लिए डायग्राम समझ आना चाहिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले प्रोसीजर वही है बेटा, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 10/15 का एलसीएम किया 60 और डिवाइड कर दिया, यहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वन डे वर्क, वन डे वर्क मतलब 1 दिन में किया गया काम। तो करो भाई, यहां से वन डे वर्क आया 6, यहां से वन डे वर्क 5 और 60 को 15 से किया तो 4, तो यहां से बेटा क्या आया, 1 का वन डे वर्क आ गया 6, बी का वन डे वर्क 5 और सी का वन डे वर्क 4, 1 दिन में किया गया काम। अब ध्यान से समझना, यहां से चलते हैं बेटा पीछे से, ये 2 दिन का काम किसने किया, सी ने किया, ये बात मानते हो, तो सी का 1 दिन का काम कितना है, 4। अगर 1 दिन का बेटा 4 है, इसने किया 2 दिन, तो कितना काम कर लिया, 8 वर्क कर लिया, यहां पे इसने कर लिया बेटा कितना, 8 वर्क कर लिया, 8 तो हो गया प्लस ये वाला हो गया। आगे चलते, अब 1 दिन का काम किसने किया, ए और सी दोनों ने किया, ए और सी दोनों, ए का 6 है और सी का 4 है, दोनों का मिला के 1 दिन का कितना बन जाएगा, 6 और 4 कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। और कितने दिन किया, 1 दिन किया, तो 1 दिन किया तो कितना वर्क हो गया, 10 वर्क। तो ये वाला वर्क आया था 8 2 दिन का, ये वर्क आया 10, तो टोटल बेटा हो कितना गया, टोटल हो गया हमारे पास 18 वर्क हो गया ये वाला, तो टोटल था 60 वर्क, उसमें से 18 तो बेटा हो गया, 18 हो गया तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचेगा बेटा 60 माइनस 18 कितना आया आप लोगों के पास, आया 42 आ जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क को कर कौन रहा है पीछे से, ए बी और सी तीनों मिलकर कर रहे रिमेनिंग वर्क, तो ए बी और सी तीनों का करो 6 5 कितना बना, 11, 11 और 4 कितना बना, 50। तो तीनों मिलके 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 1 दिन में कर रहे हैं बेटा 11 काम 11, तो 42 वर्क ये वाला ए बी सी ने किया, ये वाला वर्क रिमेनिंग आया 42, 1 दिन में कर रहे हैं 11, तो 42 कितने दिन में करेंगे, तो आएगा 42/11, इट इंप्लाइज क्या आ जाएगा, यहां पे 33 7 और 9 आ जाएगा, तो क्या बनेगा आप लोगों का, बनेगा 39/11 आ गया, ठीक है, ये आप लोगों का रिमेनिंग वर्क आ गया यहां पे। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया, 39/11 days आ गया यहां पे, 11 days रिमेनिंग वर्क। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था बेटा, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा बेटा ऐड करना पड़ेगा, 2 और 1 कितना बना, 3 बना, इसको ऐड करोगे तो कितना बना,
3 9 by 11 प्लस 2 रे कितना बना 3 बन गया। यहां से बेटा आप लोगों ने ऐड किया 3 और 3 6 कितना आ जाएगा 6 9 by 11 डेज आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हो। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो कॉम्बिनेशन दो बंदे भी लेफ्ट कर सकते हैं बेटा, पहले ए ने लेफ्ट किया और 3 दिन बाद पहले बी ने लेफ्ट कर दिया था। तो आप लोगों ने बेटा डायग्राम बनाना है फिर क्वेश्चन करना है, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यहां तक क्लियर है होपफुली बेटा, आप लोगों को सभी को समझ लग चुका होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखते हैं, इसको मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है टाइप थर्ड का, इसको रब करने जा रहा हूं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, क्वेश्चन नंबर 14 और वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ लग जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी सेम काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज, सी कितने दिन में बेटा कर रहा है 15 डेज में 15 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद क्या हो गया ए लेफ्ट द वर्क एंड सी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि सी क्या चला गया 4 दिन बाद चला गया। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, यहां से ए के नंबर ऑफ डेज बेटा दे रखे, बी के नंबर ऑफ डेज दे रखे और सी के नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से समझना क्या होगा आगे। सबसे पहले तो बेटा वही कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम लेके, तो एलसीएम लिया 10 12 15 का एलसीएम कितना बना 60। यहां से बेटा क्या निकालना पड़ेगा वन डे वर्क, मतलब एक दिन में किया गया काम, तो यहां से वन डे वर्क ए का आया 6, बी का वन डे वर्क आया 5 और सी का वन डे वर्क आ गया 4। यहां तक सभी को क्लियर होगा, आगे चलते हैं, दोबारा से स्टेटमेंट रीड करता हूं। उसने बोला है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो ध्यान से समझना, वो बोल रहा है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर कि दोनों ने काम एक साथ शुरू किया और 3 दिन बाद कौन चला गया आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो करते गए जब कितने दिन हो गए थे बेटा 3 दिन हो गए थे, तो यहां पे कौन चला गया ए चला गया, ए चला गया, तो आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन रीड करिए, ए चला गया एंड सी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि सी 4 दिन पहले चला गया, कि जब काम खत्म होने को कितने दिन यहां पे रह गए थे 4 डेज रह गए थे, तो यहां पे कौन चला गया बेटा सी चला गया। तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज टोटल वर्क इज फिनिश, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबिनेशन आ गई, पहले क्या दे दिया स्टार्टिंग टाइम लेफ्ट और एंडिंग टाइम लेफ्ट, अलग अलग क्वेश्चन थे बेटा, अब लोगों ने कंबाइन बना के क्वेश्चन दे दिया। तो ध्यान से समझना क्या है, उसने बोला था ए और बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो इसका मतलब ये 3 दिन का काम किसने किया होगा, ए बी और सी ने किया होगा 3 दिन का काम। ठीक है, ए चला गया, अब भाई ए चला गया तो ये वाला काम, ये क्वेश्चन मार्क, ये वाला काम किसने किया, ये 3 दिन का काम ए बी और सी ने किया, यहां तो ए चला गया तो ये क्वेश्चन मार्क का काम किसने किया होगा, आप बोलोगे सर बी और सी ने किया। अब यहां पे जाके सी चला गया तो ये 4 दिन का काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट है, उसने पूछा है टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो टोटल वर्क के लिए पहले क्वेश्चन मार्क निकाल दो, उसमें 3 और 4 कितना 7 ऐड कर दो तो टोटल डेज आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है, तो आप बोलोगे सर ठीक है पहले बी का 4 दिन का निकाल लेते हैं, तो वैसे ही चलते हैं। देखो बी एक दिन में कितना करता है 5, बी एक दिन में कितना करता है 5, उसने कितने दिन किया 4 दिन, तो काम हो कितना गया भाई 20 वर्क हो गया। यहां तक क्लियर, 20 वर्क हो गया, तो वर्क कितना हो गया यहां पे 20 प्लस।
अब इस पे चलते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ डेज गिवन है। तीन दिन का काम किसने किया? ए बी और सी ने किया। ए बी सी ने तीन दिन का काम किया, ए बी और सी लगाओ भाई, ए बी और सी का एक दिन का काम सिक्स, यहाँ पे सिक्स था वन डे में, सिक्स फाइव फोर, सिक्स फाइव इलेवन और फोर फिफ्टीन। एक दिन में ये तीनों मिलके कितना कर लेते हैं? तीनों करते हैं एक दिन में 15, तो कितने दिन किया? तीन दिन। तो तीन दिन में बेटा कितना कर लिया? 15 थ्री जा 45 वर्क कर लिया। तो ये वाला वर्क आया था 20, ये वाला वर्क आ गया 45। तो 20 वर्क और 45 वर्क कर लिया, तो बेटा वर्क हो कितना गया? 20 प्लस 45 कितना बना? ये बना आप लोगों का 65 वर्क। तो 65 वर्क हो गया। तो अब रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा? ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा कि नहीं, इसीलिए बोल रहा था इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ भी ये 60 क्या था बेटा? ये 60 था हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क। तो भाई 65 कैसे हो गया? खुद सोचो, अगर टोटल वर्क 60 है, 65 तो बेटा कभी हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये 65 तो हो ही नहीं सकता है। आप लोगों ने जितने भी ये डायग्राम बना के पीछे क्वेश्चन किए थे, वीडियो को दोबारा से देखना, जो ये वर्क आता था वो टोटल वर्क से क्या आता था? कम आता था, माइनस करते थे तो रिमेनिंग वर्क आ जाता था। यहाँ पे देखो टोटल वर्क से ज्यादा, तो कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि टोटल वर्क 60 है और आप लोग कर रहे हो 65? ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गई भाई? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये मेथड आप लोगों का क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि टोटल वर्क क्या आ गया? एक्सीड कर गया। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये डायग्राम वाले भाई मेथड गलत हो जाते हैं। आप लोगों को बेसिक समझाने के लिए जरूर मैंने डायग्राम बना के समझाया, आप लोगों ने अच्छी तरह समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये डायग्राम वाला मेथड वहां पे गलत हो जाएगा जहां पे आप लोगों का वर्क क्या होना शुरू हो जाएगा? ज्यादा होना बेटा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में टायर वन में पूछा गया था 2014 में। तो ध्यान से समझना कैसा करेंगे बताते हैं आप लोगों को। तो अच्छी तरह से नोट्स बना लेना बेटा, ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको मिटाने जा रहा हूं, फिर मैं बताता हूं कैसा करेंगे, इसको मैं रख कर लूंगा। ठीक है, तो भाई वन डे वर्क तो बेटा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रख कर रहा हूं यहां से, फिर मैं बताता हूं कैसा करना है। समझ लो, वन डे वर्क तो बेटा आप लोगों का आया ही था यहां पे 60, और आप लोगों ने वन डे वर्क निकाला था 6, 5 और 4, यहां तक कंप्लीट था, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, जो भी मैंने पुराने क्वेश्चन कराए ना, सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे जो मैं अब कराने जा रहा हूं। ध्यान से समझना, ये मेथड क्या कहता है? एक कंडीशन होती है कि आप लोगों को स्टार्टिंग और एंडिंग में वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम। जो स्टार्ट कर रहा काम वही एंड करेगा, ये बात याद रखना। स्टार्टिंग और एंडिंग में वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसको नोट कर लो भाई, इसको अच्छी तरह से नोट करो, फिर मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी बता दूंगा, पुराने क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो भाई क्या टेरा क्वेश्चन वाला डायग्राम बनाएंगे, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, नोट कर लेना कॉपी पेन पे, अच्छी तरह मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात आप लोगों को अभी समझ लगेगी। ध्यान से समझना, डायग्राम जो हमने बनाया था कुछ ऐसा बना था कि डायग्राम ऐसा बना था, क्या बोला था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला था कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर थ्री डेज ए लेफ्ट द वर्क, तीन दिन बाद ए चला गया था। कुछ ऐसा ही बना था कि तीन दिन बाद यहां पे जाके ए चला गया था, और उसके बाद बोला था कि सी चला गया था फोर डेज बिफोर द कंप्लीशन, जब चार दिन बच गए थे काम खत्म होने को, यहां पे सी चला गया था, कुछ ऐसा ही था। तो डायग्राम हमारा बना था कि ये भाई ये काम किया था किसने? तीनों ने मिलके किया था कंबाइन। यहाँ पे ए चला गया तो ये क्वेश्चन मार्क वाला किया, किसने किया क्वेश्चन मार्क वाला? यहाँ पे ए चला गया, ये किया था बी और सी ने। यहाँ पे सी चला गया तो ये किसने किया था बेटा? बी ने किया था। यहां तक हमने कर लिया था, है ना। तो भाई इस मेथड में क्या होता, मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग और एंडिंग के वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब समझ लो, अगर देखा जाए बेटा टोटल वर्क था कितना हमारे पास? टोटल वर्क था 60। अब ध्यान से समझना, ये कंडीशन बोलती स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो खुद सोचो, अगर सी यहां पे छोड़ के गया काम, है ना, शुरू कौन कर रहा है? शुरू कर रहा ए बी और सी, स्टार्टिंग।
और इसका मतलब एंड भी किसको करना चाहिए, ए बी और सी को एंड करना चाहिए, तभी तो होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। तो भाई हमने ए और सी को भी लास्ट तक लेके जाना, क्यों, क्योंकि बी तो लास्ट तक ऑलरेडी पहुंच रहा है, तभी तो कंडीशन पूरी होगी स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल सेम वाली। तो ध्यान से समझना कि सी कितने दिन पहले छोड़ के गया था, 4 दिन पहले। अगर सी पूरा काम करता, अगर सी यहां से यहां यहां पे ना जाता और पूरा एंड तक जाता, तो सी को कितने दिन और काम करना पड़ना था, 4 दिन और काम करना पड़ना था, ये बात मानते हो। तो अगर सी यहां पे पहुंचेगा तो उसको 4 दिन एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 4, तो अगर 4 दिन आगे गया तो कितना काम और करना पड़ेगा, ये तो वनडे वर्क है, 4 दिन का काम कितना हो गया, 16 वर्क हो गया। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा वर्क डन बाय सी, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय सी, सी ने एक्स्ट्रा वर्क कितना किया, 4 दिन आगे गया एंड तक पहुंचने के लिए, 1 दिन में 4 करता था, तो ये तो 60 था आप लोगों का टोटल वर्क। सी ने कितना किया, 1 दिन में 4 करता था, 4 दिन आगे गया तो कितना वर्क कर लिया, 16 वर्क एक्स्ट्रा कर लिया, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय सी 16 हो गया। ठीक है, आगे चलते। तो यहां से अब हमारे पास टोटल वर्क बेटा आ कितना गया, टोटल वर्क पहले था 60, अब 16 काम सी ने एक्स्ट्रा कर लिया, तो वर्क हो कितना गया, 76। यहां तक बेटा क्लियर है, टोटल वर्क 76। अब ध्यान से समझना, अब इसका मतलब सी नहीं गया, सी नहीं गया बेटा, तो सी कहां पे पहुंच गया, ये इसको मैंने मिटा दिया। अब एंड पे बी पहुंच रहा था, इसका मतलब अब एंड पे कौन पहुंचेगा, अब एंड पे पहुंचेगा बी और सी ही तो पहुंचेगी लास्ट पे, क्योंकि सी को मैं यहां तक ले गया था। तो इसका मतलब ये काम भी बी और सी ने किया और ये काम भी बी और सी ने किया। तो इसका मतलब मैं डायग्राम रख करके ऐसे बोल सकता हूं कि ये पूरा काम किसने कर लिया, ये पूरे का पूरा काम कर लिया बी और सी। इसका मतलब फाइनल पोजीशन पे कौन पहुंच गया, बी और सी पहुंच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। शुरू कौन कर रहा था बेटा, ए बी और सी कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये 3 दिन का काम है ए बी और सी किया, पहुंच रहे हैं बी और सी, मेरे को स्टार्ट भी किससे कराना पड़ेगा, बी और सी से। अगर शुरू बी और सी करें और खत्म भी बी और सी, मेरी कंडीशन पूरी हो जाएगी स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल सेम की। तो यहां से बेटा ए बी और सी का 3 दिन का काम है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए को खत्म करना पड़ेगा ताकि बी और सी शुरू करें, और खत्म भी बी और सी ने किया। तो यहां से देखते हैं 3 दिन का काम, ए ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, ए 1 दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना किया होगा, ए ने 3 दिन में काम किया कितना, 18 वर्क कर लिया, है ना भाई। ए बी और सी कर रहे 3 दिन, इसका मतलब अगर बी और सी 3 दिन, ए ने भी तो 3 दिन किया होगा ना, अगर 1 दिन में 6 करना तो 3 दिन में कितना किया, 18। तो इसका मतलब इस 3 दिन में ए की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, 18। तो अगर ए यहां पे ना जाए, इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में ले आऊं, ए को आगे ले आऊं स्टार्टिंग पे, तो ए के कितने दिन का काम माइनस करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, 3 दिन का काम माइनस करना पड़ेगा ए का, तो 3 दिन का काम वहां पे कितना आ गया, 18 आ गया, तो भाई माइनस करना पड़ेगा ए का कितने दिन का, 3 डेज का क्या वर्क, तीन ए का 3 दिन का काम कितना है, 18 आप लोगों ने लगाया, ये माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि उसको बाहर लेके आए हम ए को, तो यहां से फिर टोटल वर्क क्या बच गया, कैरी किया 16 में से 8 गया, 8 यहां पे 6 में से 1 गया, कितना बच गया, 5 बच गया, 58 बच गया। तो इसका मतलब अब ए बाहर चला गया, तो इसका मतलब जैसा क्वेश्चन वाला बोल रहा था, ए बी और सी टुगेदर शुरू करते हैं, टुगेदर शुरू करते हैं, अब ए तो कर ही नहीं रहा, कौन शुरू कर रहा बेटा, अब शुरू कर रहा ए और बी कर रहा है। अब क्वेश्चन यहां पे पहुंच गया, क्वेश्चन क्या पहुंच गया कि ये भी काम किसने किया, ए और बी ने, और ये तो पहले ही ए और बी था, इसका मतलब ये भी ए और बी, सॉरी यहां पे क्या था, ए को बाहर निकाला था, ये बी और सी शुरू कर रहे, ये भी बी और सी ने किया, ये भी बी, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक किसने किया काम, बी और सी ने किया पूरा। अब कंडीशन पूरी होगी, स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल क्या हो गए, सेम हो गए। अब काम कितना आ गया हमारे पास, 58 आ गया। कर कौन रहा है, बी और सी, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक कौन कर रहे हैं, बी और सी ही शुरू कर रहा है और बी और सी ही खत्म कर रहा है। टोटल वर्क था 58, अब लगा दो बी और सी का, 1 दिन में बी 5 करता है, सी 1 दिन में 4 करता है, तो दोनों मिलके 1 दिन में कितने करते हैं, दोनों मिलके 1 दिन में करेंगे 9।
तो अगर एक दिन में दोनों ने नो किया तो 58 वर्क कितने दिन में कर लेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 58 बाय 9, इट इंप्लाइज आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 64 बाय 9 डेज आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। टोटल वर्क कितना आ गया 6 × 4/9, क्योंकि 9 को 6 से किया 54 और 4 कितना बन जाएगा 58। ठीक है बेटा, तो होपफुली आप लोगों को समझ लग चुका होगा ये वाली, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे वैसे ही करते हैं डायग्राम बना के, बट आगे जाके दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, जहां पे बेटा क्या हो जाएगा आपका जो टोटल वर्क होगा और जो आप लोगों ने वर्क कराया होगा वो एक्सीड हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि वर्क तो माइनस में होगा नहीं। इसलिए बेटा क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल सेम करने पड़ेंगे, मतलब जो पीछे किया होगा उसको आगे तक लेके जाना पड़ेगा और जो जिसने आगे किया होगा उसका वर्क क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? तो आपका टोटल वर्क आंसर आ गया 64/9 डेज। होपफुली आप लोगों को समझ लग चुका होगा। तो देखो बेटा मैं प्रूफ कर देता हूं, अभी पुराना क्वेश्चन मैं एक कराता हूं, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, इसको रब करता हूं फिर हम देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट करना बेटा अच्छी तरह से, इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, रब कर रहा हूं। इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन था 12th। देखो मैं प्रूफ कर देता हूं अभी 12th क्वेश्चन, आप पीडीएफ फाइल में दोबारा से आ जाओ। 12th क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा था पुराने मेथड से, इसी मेथड से भी आंसर वही आना चाहिए, क्योंकि मेथड कोई भी आंसर तो सेम आना चाहिए ना बेटा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th क्या कह रहा है, ए एंड बी, यही था हमने, ऐसा ही था कुछ, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और बी उसी काम को 20 दिन में, एलसीएम लिया 20, यहां पे 2 और यहां पे 1 आ गया। वो कह रहा है बट ए लीव्स द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन, कुछ ऐसे ही बनाया था डायग्राम कि चलते गए जब काम को खत्म होने के कितने दिन रह गए 5 दिन, तो यहां पे बेटा कौन चला गया था, ए चला गया था, हमने बोला था शुरू किया था ए और बी ने, ए चला गया तो 5 दिन का काम किसने किया बी ने, तो हमने किया था 5 दिन का बी का माइनस करके फिर ए और बी से डिवाइड कर दिया था बेटा। ठीक है, अब देखो आंसर मैच करना चाहिए कोई भी मेथड हो। वो मेथड क्या कहता है हमारा कि स्टार्टिंग और एंडिंग में वेरिएबल क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए सेम। तो इसका मतलब अगर ए और बी शुरू कर रहा है, ए 5 दिन पहले चला गया, अगर ए को भी आगे ले जाओ तो खत्म भी ए और बी करेगा, क्योंकि बी तो खत्म करेगा है, ए को आगे ले गया तो ए और बी खत्म करेंगे। तो हमारे पास बेटा टोटल वर्क था कितना 20। अगर ए आगे जाएगा यहां तक तो ए को एक्स्ट्रा कितने दिन काम करना पड़ेगा 5 दिन। ए एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 5 दिन में कितना करेगा 2 × 5 कितना बन गया 10 वर्क बन गया एक्स्ट्रा। 10 वर्क क्या बना आप लोगों का एक्स्ट्रा बन गया। तो यहां से क्या आ गया कि एक्स्ट्रा वर्क किसने किया, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय ए, ए ने कितना कर लिया एक्स्ट्रा वर्क 10 कर लिया। तो अब टोटल वर्क बेटा हो कितना गया 30। तो इसका मतलब ए नहीं गया, ए अब यहां पे पहुंच गया सीधा यहां से यहां, बी तो पहुंच ही रहा था, ए भी पहुंच गया यहां पे, ये खत्म हो गया, ये इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। तो ये शुरू किया ए और बी ने, ये भी ए और बी ने, तो शुरू से लास्ट तक है कौन बेटा, शुरू भी ए और बी और लास्ट भी ए और बी, स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल सेम हो गए। तो टोटल वर्क बना 30, शुरू भी ए और बी कर रहा, खत्म भी ए और बी, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, काम कितना करना है 30। तो कितने डेज में करेंगे बेटा 30/3, कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 10 डेज बेटा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैच कर लेना, जब मैंने पुराना कराया था तब भी 10 डेज ही था, आप लोगों का ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? तो होपफुली बेटा आप लोगों को ये मेथड भी समझ लग चुका होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल सेम वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है दोनों मेथड से, डायग्राम बना के भी करना है क्वेश्चन, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों ने डायग्राम वाले मेथड से नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएबल सेम करके करना है। तो टाइप थर्ड का कोई भी क्वेश्चन होगा बेटा आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, होप सो बेटा आप लोगों को थर्ड टाइप भी क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह से। ठीक है, आप लोग ध्यान से करना, जो पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, उसके बाद कोई भी बुक उठाओ और अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, किसी भी टीचर की हो या रेफरेंस बुक हो, सिर्फ आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है,
तो होप सो बेटा तीन टाइप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। पहली टाइप थी हमारी टुगेदर वाली, सेकंड थी अलोन वाली, और जो हम लोग थर्ड टाइप करने जा रहे थे जो हमने अभी किया है, थर्ड टाइप आई स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम लेफ्ट वाली। यहां तक क्लियर है? आप लोग अच्छी तरह से बेटा पढ़ते रहो, वीडियो देखो, कमेंट करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो बेटा। जितना मैक्सिमम आप लोग कमेंट करोगे हमें अच्छा लगेगा और हम और वीडियो भी बनाते रहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों के लिए बेटा एक सरप्राइज है कि अगले नेक्स्ट हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से रीजनिंग के भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। रीजनिंग वाले सर आएंगे और वो स्टार्टिंग आप लोगों की कोडिंग डिकोडिंग से करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम और भी टीचर लेके आएंगे बेटा अच्छी तरह से। आप लोगों ने बस इस वीडियो को शेयर करना है मैक्स टू मैक्स। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ हम और हम ही कर ले, है ना, हम पेपर क्लियर कर जाए, हम समझ लें, किसी और को बताए ना, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करो, सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है? इतना ही रखते हैं आज के लिए। और हमारे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां से हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करो, लाइक करो। वहां पे हम लोग पीडीएफ फाइल अपलोड करते जाएंगे और आप लोग वहां से स्टेटमेंट देखते जाओ और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है? इतना ही रखते हैं बेटे, होपफुली समझ आ रहा होगा आप लोगों को। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर बेटा, ओके।